तो हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इससे पहले मैंने उस क्वेश्चन को आधा बनाया था और थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बनाने में, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। हालांकि सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने वीवी के थ्रू सॉल्व किया था। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। बेसिकली मेरे पास दो लिस्ट है, एक नाम का लिस्ट है और दूसरा सिटी लिस्ट है। जैसे मेरे पास कुछ सेल्स ऑफिसर्स हैं, एक पूजा है, दीपक है, उदय मोनी, कविता, इंदर, ओम, करूंगा। मान लीजिए ये हमारे सिटी है, तो ये नेम है, और मेरे पास कुछ सिटी है जैसे पुणे, पुणे, दिल्ली, उदयपुर, नागपुर, ये हमारे सिटी है और ये आगे बढ़ते भी रहेंगे। फिलहाल इतना मान। अब मुझे इसको कहीं और रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से आ गई, जैसे कि यहाँ पे नेम और यहाँ पे सिटी है, राइट सर। और यहाँ से नेम को यहाँ कॉपी करना है, और एक नेम पे हमारे जितने सिटी है, जैसे मेरे पास सिटी ये 5 है, तो इन सिटी को यहाँ पे पेस्ट करना है। समझिए सर, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना होता है, और सेम काम फिर दीपक का यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से मेरा जो है रोटेट होते रहेगा सर। तो ऐसे तो चलो ये 5 सिटी है, 10 10 नाम है, तो इसको इजीली हम कर लेंगे, लेकिन जब मेरा बढ़ेगा नाम और सिटी वगैरह, तो उसमें फिर दिक्कत होगा। तो इस काम से मैंने वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से तो कर लिया था, बट इसको हम एक्सेल से करना चाहते थे, राइट। तो कैसे करें एक्सेल से, चलिए इसी चीज पे हम आज आपको बताते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन समझ में आ गया सर, करण जी, आ गया राजू जी आया जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए तो मैं मैन्युअली एक सीरियल एक कॉलम ऐड करूंगा सीरियल नंबर का, और यहाँ पे हम मैन्युअली 1 लिखेंगे। फिर कंडीशन देंगे इफ, और यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला देते हैं, काउंट इफ, और बोलते हैं कि यहां से यहां तक कॉमा इसका काउंट जो है अब यहाँ पे जैसे कि मैं अलग निकाल लेता हूँ, बाद में इसको मर्ज कर दूंगा, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाया हुआ है, काउंट ए का फॉर्मूला, और काउंट ए में हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें एक -1 कर देते, क्योंकि नेम हेडिंग भी है ना सर, इसलिए 1 माइनस कर देते। और फिर यहाँ पे वापस मेरे पास काउंट ए लगाया सिटी के लिए, और इसमें भी -1 कर देते क्योंकि हेडिंग भी इंक्लूड है। तो मुझे 8, मेरे पास 8 नाम और 4 सिटी है। अब मैं यहां पे कंडीशन दूंगा कि इफ काउंट इफ, और हमने इसको सिलेक्ट किया और कॉमा इसको सिलेक्ट किया, अगर इसका रिजल्ट जो है अगर वो ग्रेटर देन, नहीं सॉरी लेस देन, हाँ लेस देन, अगर 4 है द नंबर ऑफ सिटी है, तो जो जो सीरियल नंबर है उसी को वो मेंटेन करे। अदरवाइज फिर यहाँ पे एक कंडीशन लगा कि इफ ऊपर वाली वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 8 है, तो
यहीं पे ब्लैंक कर दो, आगे नहीं बढ़ना है, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दो। तो बेसिकली क्या है कि हम एक यहाँ पे काम सीरियल नंबर लगाने का पर्पस क्या है इसको समझिए। इसका पर्पस ये है कि मैं जो हूँ नीचे ड्रैग करना चाहता हूँ, जितना सिटी है उतनी वन उतनी बार रिपीट होना चाहिए, और कहाँ तक जितने नेम है। तो एक बार मैं इसको मर्ज फ्रीज कर देता हूँ। हाँ, ओके। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, ड्रैग कर दिया। देखिए ये हमारे पास चार सिटी है, तो चार बार वन रिपीट हुआ है, चार बार टू भी रिपीट हुआ है, चार बार थ्री भी हुआ है, तो ये नौ तक गया है, नौ भी चार बार, क्योंकि तो टोटल नंबर एक में ये नंबर ऑफ कितना है, एट है ना। यहाँ पे दिक्कत है कि फिर नौ क्यों किया है, नौ तो नहीं करना चाहिए ना, एट है तो। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे आठ तक रिपीट हुआ। अब एक काम और कर सकते हैं, है तो ऑफसेट लगा लीजिए या वीलुकअप भी लगा सकते हैं। देखिए वीलुकअप फिर कॉलम ऐड करके सीक्वेंस नंबर वन टू थ्री करना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाता हूँ और बोलता हूँ कि ऊपर से इतने नंबर रो एंड जीरो कॉलम को शो कर दो, और नीचे ड्रैग करने से पहले ए वन को मैं फ्रीज कर देता हूँ, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर दिए। यहाँ पे आपके पूजा 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 दीपक दीपक दीपक, जितना बार आपका सिटी उतना बार रिपीट हो, और नीचे एरर आ रहा है तो आप इसके लिए इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इफ एरर एंड कॉमा। अब यहां पे दिक्कत आता है कि सिटी कैसे है, क्योंकि तो यहाँ पे सिटी ये तो एक ही ताल की सिटी अलग अलग है, तो क्या सिटी के लिए भी सीरियल नंबर बनाया उससे उसको कॉल करें, ऐसा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रो का, जो कि रो नंबर शो करता है। टू किया, मैं इस पे माइनस वन कर दूंगा तो ये हमारा वन शो करेगा, तो सीक्वेंस नंबर दे दिया। अब फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोड का, मोड फॉर्मूला लगाया और हमने इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ टोटल इससे। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं सी टू को फ्रीज कर देता हूं, ये सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा, लेकिन जैसे कि इसने वन टू थ्री, अब फोर है तो फोर के जगह पे जीरो, वन टू थ्री जीरो, वन टू थ्री जीरो। तो अगर सिटी में कल के रेट में बढ़ाता हूं, मैं ना कर देता हूँ यहाँ पे एक और कर देता हूँ पटना, मैं अपना सिटी कर देता हूँ, एंटर मारा तो देख बढ़ गया, और वन टू थ्री फोर जीरो, जो पांचवा नंबर होगा वो यहाँ पे जीरो दे देगा। तो इस केस में यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ इसका रिजल्ट अगर इक्वल टू जीरो है, उसके जगह पे जो फाइव है उसको शो कर दो, अदरवाइज जो फॉर्मूला चल रहा है उसको शो करो, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। और सॉरी सी टू को हमने फ्रीज नहीं किया, इसको फ्रीज करना था। फिर फाइव आ गया, तो वन वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब फिर हम ऑफसेट फॉर्मूला लगाते हैं, और या वीलुकअप लगा लीजिए, वीलुकअप में सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा तभी तो यूनिकारी मैच करेगा। इसको हमने बोला और रो नंबर ए रहा एंड कॉलम नंबर हमारा जीरो हो गया। नीचे ड्रैग करने से पहले हम बी वन को फ्रीज कर दिए और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, क्योंकि रेट में हमारा नाम बढ़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और नाम ओम प्रकाश लिख दिया,
नाम बना ओम प्रकाश। तो नीचे आप देखेंगे हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन ऐड हो गया, ओम प्रकाश आ गया। अब यहां पे देखिए नाम फालतू में आ रहे हैं, ये नाम नहीं आने चाहिए ना। यहां पे हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर ए वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक। इसे जो नीचे फालतू की सिटी आ रहे हैं ना वो फालतू की सिटी न आ। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? करण जी, राजू जी? नो सर, क्लियर है। तो इसको आप मॉड का फॉर्मूला बता दो सर। हाँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लीजिएगा। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले, ठीक है? ओके सर, थैंक यू।